हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की कुशलता की ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। और आज जैसे आज बहुत ही दुख हो रहा है कि एक आप लोगों को खबर बताते हुए कि आज एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया है कुवैत के 7th Ring Road पे। उसमें क्या था, एक कंपनी की गाड़ी भरी हुई जा रही थी, तो उसमें क्या 7th Ring Road अब्दुल्ला मुबारक के सामने में गाड़ी ने ब्रिज के नीचे से यू टर्न लिया, तो वो गाड़ी ऐसा बैलेंस डिसबैलेंस हुई कि पूरा गाड़ी ऐसा बिल्कुल क्रैश हो गई। तो उसमें से बेचारे क्या है, अपने 7-6 इंडियन भाई ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए और उनमें से 4 लोग घायल हो गए, घायलों का इलाज चल रहा है। तो ये बहुत ही दुख भरी खबर आज मेरे को बहुत ही, समझ लो सुबह जब से ये खबर मैंने सुनी तब से दिमाग काम नहीं कर रहा था कि खबर डालूं कि नहीं डालूं। फिर हमने सोचा चलो बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको कुछ नहीं जानकारी मिलती, तो बता दिया जाए कि भाई लोग आप लोग, क्योंकि वो लोग पता नहीं बेचारे क्या सोच के निकले थे कि ड्यूटी जा रहे हैं, लेकिन वक्त का क्या तकाजा है, किसके साथ कब क्या हो जाए। तो मैं सभी लोगों की कुशलता की कामना करता हूं कि भाई लोग जहां पे भी रहें, जो रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने वतन को सब लोग कमा के अच्छे तरीके से घर जाएं, क्योंकि यहां पे हम लोग सब लोग एक भाई परिवार की तरह हैं, सभी लोग कमाने के लिए आए हैं। बेचारे क्या, वो लोग यही सोच के गए थे कि हम घर वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब उनके साथ हादसा हो गया, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग बच गए हैं उनको जल्दी ठीक करके वो लोग अपने घर पर जाएँ और उनकी मतलब तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उनकी तबीयत में सुधार हो जल्दी, उनका इलाज हो जल्दी अच्छे से अच्छा। भाई लोगों, आज की बहुत ही दुख भरी खबर है। इस खबर को आज जब से सुना है तब से बहुत मैं परेशान था कि क्या है यहाँ पे, हम अजनबियों की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ पे कैसे क्या हो जाए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ी के पूरे टुकड़े टुकड़े गाड़ी हो गई, पता नहीं कैसे किस तरीके से हुआ, उसकी पूरी अभी डिटेल नहीं आई, उसकी जानकारी अभी ली जा रही है, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ही भयानक हादसा था। ऐसे हादसे किसी के साथ ना हो, भगवान करे सबको, खुदा करे सबको सेफ रख के, सुरक्षित रख के, जो जहाँ जैसे अपना सब काम कर करके, एक एक दो दो साल कर करके जिसका टाइम पूरा होता जाए, अपने अपने वतन को सुरक्षित लौटे सभी लोग, बस यही सभी की कामना करता हूँ।